नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सानी आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारी चैनल लर्न एंड लर्न एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को चैत्र नवरात्रि से जुड़ी रोचक कथा के बारे में बताने जा रहा हूँ। चैत्र में नवरात्रि का पर्व क्यों आता है और इसके पीछे क्या वजह है, यह जानने के लिए आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। हर वर्ष 4 बार नवरात्रि का त्यौहार आता है, जिसमें से 2 बार गुप्त नवरात्रि पड़ती है और 1 बार चैत्र और 1 बार शारदीय नवरात्रि का त्यौहार आता है। हिंदू धर्म में वर्ष का पहला सबसे बड़ा पर्व चैत्र नवरात्रि ही होता है। कई बार लोगों को यह तो पता होता है कि शारदीय नवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है, मगर चैत्र नवरात्रि मनाने के पीछे की क्या वजह है यह बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल भी देरी ना करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल लर्न एंड लर्न अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा आखिर चैत्र नवरात्रि का महत्व क्या है और यह पर्व आखिर क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे की कथा क्या है। तो माँ दुर्गा का हुआ था अवतरण। कथाओं के अनुसार चैत्र नवरात्रि में देवी दुर्गा का अवतरण हुआ था। दरअसल ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त कर दैत्यराज महिषासुर से नरक का विस्तार स्वर्ग तक कर लिया था। दानवों के आक्रमण और दुराचार की वजह से देवी देवता भी परेशान रहने लगे थे। एक वक्त ऐसा भी आया जब महिषासुर की सेना ने देवताओं के राजा इंद्र की सेना पर विजय हासिल कर उनका सिंहासन ही छीन लिया था। महिषासुर के इस दुसाहस के कारण भगवान शंकर और भगवान विष्णु अति क्रोधित हुए और तब महिषासुर का अंत करने के लिए देवी शक्ति को जन्म देने का विचार बनाया गया। देवताओं की सभा लगी और निर्णय लिया गया कि सभी देवी देवताओं के तेज से एक ऐसी देवी को उत्पन्न किया जाएगा जो महिषासुर ही नहीं बल्कि और भी कई असुरों का नाश करेंगी। ऐसे में भगवान शंकर के तेज से देवी का मुख, भगवान विष्णु के तेज से देवी की भुजाएं, यमराज के तेज से देवी के बाल, चंद्रमा के तेज से देवी के स्तन और ब्रह्मा जी के तेज से देवी के चरण बने। केवल अपना तेज ही नहीं, देवी देवताओं ने अपने शस्त्रों को भी देवी को अर्पित किया, जिसकी मदद से देवी ने महिषासुर का वध किया। तो दोस्तों, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ देवी और महिषासुर की लड़ाई कैसे हुई और कैसे खत्म हुई। देवी और महिषासुर की लड़ाई 9 दिन चली। देवी के भव्य स्वरूप को देखकर ही महिषासुर भयभीत हो गया था, मगर उसने डर कर अपने अस्त्र शस्त्र नहीं त्यागे और अपनी लाखों सैनिकों की सेना लेकर देवी से युद्ध करने पहुंच गया। देवी ने भी महिषासुर के भेजे सभी असुरों को परास्त कर दिया। इसके बाद बारी आई महिषासुर की और फिर माता ने उसे भी नहीं छोड़ा और उसका अंत कर दिया। यह नवरात्रि का अंतिम दिन था, यानी अपने अवतरण के 9वें दिन देवी ने असुर का अंत किया और तब से चैत्र नवरात्रि का पर्व मनाया जाने लगा। तो दोस्तों, ये थी चैत्र नवरात्रि मनाए जाने की वजह या क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो को देखकर आप समझ चुके होंगे कि चैत्र नवरात्रि क्यों मनाया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल लर्न एंड लर्न अकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं बहुत ही जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, खुश रहें। धन्यवाद।